भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के लिए उनके दोस्त जितने इम्पोर्टेंट हैं उतने ही इम्पोर्टेंट उनके लिए दुश्मन हैं। वो जितना दोस्तों की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं उतना ही अपने दुश्मनों का भी ख्याल रखते हैं। वो कब, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सबकी खबर पवन सिंह को होती है। जी हाँ, पवन सिंह के लिए ये कहा जाता है कि पवन सिंह अपने इर्द गिर्द कई जासूस बिठा रखे हैं जो कि इंडस्ट्री में उनके जो विरोधी हैं उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं वो सारी जानकारी देते रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह अपने दोस्तों के मामले में जितने सतर्क रहते हैं दुश्मनों के मामले में उतने ही चौकन्ने रहते हैं। फिर वो चाहे गीतकार श्याम देहाती हो, फिर अक्षरा सिंह हो, या फिर हो खेसारी लाल यादव, या फिर एक टाइम में रानी चटर्जी। जी हाँ, आजकल रानी चटर्जी और पवन सिंह की मित्रता बढ़ी हुई है, लेकिन कभी एक वक्त वो भी था जब पवन सिंह की बुराइयां करते नहीं थकती थी रानी चटर्जी। वैसे रानी चटर्जी भी पवन सिंह की उसी हरकत का शिकार हुई है जिस हरकत का अक्षरा सिंह जिक्र करती हैं। यानी कि कभी रानी चटर्जी और पवन सिंह के बीच अफेयर था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और रानी चटर्जी की माने तो रानी तो पवन सिंह के साथ घर बसाना तक चाहती थी, लेकिन भाई ये पवन सिंह को मंजूर ना हुआ और इन दोनों का रिश्ता टूट गया। तब से रानी चटर्जी ने भी कई मर्तबा ये कहा कि उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई। अब भाई ये कौन दे सकता है, आप खुद ही समझदार हैं। फिर ऐसा ही कुछ अक्षरा सिंह के साथ हुआ, लेकिन अक्षरा सिंह के चैप्टर खोलने से पहले आपको खेसारी का चैप्टर हम खोल देते हैं। जी हाँ, खेसारी और पवन सिंह में दुश्मनी भी अक्षरा सिंह की वजह से हुई, अन्यथा ये दोनों कोई दुश्मन नहीं थे। जी हाँ, अक्षरा सिंह का जब ब्रेकअप खेसारी के साथ हुआ तो वो पवन सिंह से जा मिली, पवन सिंह से उनकी अच्छी जमी और पवन सिंह को भी अक्षरा सिंह काफ़ी पसंद आए, इन दोनों में प्यार हुआ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। फिर इन दोनों के प्यार में रोड़ा बने खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने अक्षरा सिंह के नाम से ही अपने किसी पिट्ठू से यानी कि अपने किसी बंदे से गाना गवा दिया, ये आरोप पवन सिंह ने लगाया खेसारी लाल यादव पर। और खेसारी लाल यादव के इस हरकत पर पवन सिंह खुद लाइव आए और उन्होंने अपने दर्शकों से यानी कि अपने फैन से ये कहा यानी कि ये सब कुछ जो हो रहा है अक्षरा सिंह को बदनाम करने की एक साजिश है और इसके लिए जिन्होंने अक्षरा सिंह के साथ ये साजिश की है उसे वो बेनकाब करके रहेंगे। कहा तो ये भी जाता है कि इन दोनों में इतनी तगड़ी मुठभेड़ हुई कि भाई हाथापाई की नौबत आ गई, लेकिन हाथापाई हो ना पाई, भी लोगों ने बीच बचाव किया, खेसारी अपने रास्ते आ गए और पवन सिंह अपने रास्ते, लेकिन इन दोनों की दुश्मनी बदस्तूर जारी रही। फिर क्या हुआ भाई, एक वक्त ऐसा आया जब पवन और अक्षरा में भी दुश्मनी सद गई, जब अक्षरा सिंह ने पिछले साल पवन सिंह पर कई धनाधन आरोप लगाए और अक्षरा सिंह ने ये कहा कि उन्हें जान से और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब आपको कुछ याद आया, कुछ ऐसा ही रानी चटर्जी ने भी इल्ज़ाम लगाया था। हाँ, ये बात और है कि रानी ने पवन सिंह का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर खुले तौर पर अक्षरा सिंह ने पवन सिंह का नाम लिया, पवन सिंह ने उनके साथ जो जो किया अक्षरा सिंह खुलकर बोली। उन्होंने ये कहा कि जब वो एयरपोर्ट पे शराब पीकर गिर जाया करते थे तब उन्हें किसी तरह मैं उनकी इज्जत बचा कर उन्हें ले आया करती थी, उन्हें घर तक छोड़ा करती थी, उनके लिए सुबह से शाम तक मैं हर एक वो काम करती जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है, सुबह के खाने से लेकर रात तक का खाना भी मैं ही उनके लिए बनाया करती थी। लेकिन हजारों इल्ज़ाम लगे, एक दौर ऐसा आया जब अक्षरा सिंह चुप हो गई और मामला शांत हो गया। इसके लिए भी पवन सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया गया, कहा गया कि पवन सिंह ने ही अक्षरा सिंह पर इतने दबाव बना डाले कि अक्षरा सिंह को शांत होना ही पड़ा। अब बात करते हैं श्याम देहाती की। आपने बड़ा ही कम ये नाम सुना होगा, लेकिन जो पवन सिंह को जानते हैं उनके लिए नाम अनजान नहीं है। श्याम देहाती एक मझे हुए गीतकार है और उन्होंने कई सुपरहिट एल्बम्स और कई सुपरहिट फिल्मों में
गाना लिखा है। आजकल यक्षराज सिंह की हर एल्बम और फिल्मों के गाने लिखते हैं, लेकिन वो एक ऐसा दौर आया जब श्याम देहाती और पवन सिंह में ना जमी। उसके पीछे कारण अक्षरा सिंह को बताया गया। जी हाँ अक्षरा सिंह। अब आप ये कहेंगे कि खेसारी वाला मैटर तो ठीक था, लेकिन श्याम देहाती और अक्षरा सिंह और पवन सिंह का क्या मैटर है? तो हम बताते हैं आपको। एक्चुअली हुआ ये कि श्याम देहाती पवन सिंह की ज़्यादातर एल्बमों और फिल्मों में गाने लिखा करते थे, और वहीं से उनकी और अक्षरा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और वो अक्षरा को अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगे थे। जब पवन और अक्षरा में लड़ाई हुई, तब उन्होंने अपनी बहन का साथ दिया, ना कि पवन का। उन्हें लगा कि पवन यहाँ गलत हैं और अक्षरा सही हैं। अक्षरा ने सही मायने में पवन सिंह को बहुत संभाला है, और पवन सिंह को भी अक्षरा के लिए इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए था। उन्हें ज्योति सिंह से शादी नहीं करनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने अक्षरा सिंह को वादा कर दिया था कि वो उनके साथ शादी करेंगे। और तो और कई स्टेज शो पर अक्षरा सिंह को उन्होंने सभी के सामने ये कह के संबोधित किया कि ये आपकी भाभी हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए श्याम देहाती ने अपनी छोटी बहन अक्षरा सिंह का साथ दिया और पवन सिंह को उन्होंने त्याग दिया। आपको बता दें कि श्याम देहाती का करियर उस वक्त पीक पे था जब उन्होंने पवन सिंह से पंगा लिया, और आज ये आलम ये है कि अक्षरा सिंह की ही फिल्मों और अक्षरा सिंह के ही गाने श्याम देहाती लिखते हैं, और पवन सिंह के गाने और उनकी फिल्मों से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। लेकिन इन सब में अपवाद बनकर आई हैं रानी चटर्जी। कभी एक वक्त था कि रानी और पवन एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन आज वो दौर है कि ये दोनों एक दूसरे के हितैषी हुए हैं, या यूँ कह ले कि भाई एक दूसरे के बगैर तो उन्हें चैन भी नहीं आता। लॉकडाउन की सिचुएशन है, आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा कि एक दूसरे से बात करते वक्त वो अपने वीडियो कॉलिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन रानी चटर्जी जब भी पवन सिंह के साथ वीडियो कॉलिंग करती हैं तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़रूर पोस्ट करती हैं, उसके स्क्रीनशॉट ज़रूर पोस्ट करती हैं। अब वो क्या दिखाना चाहती हैं? शायद रानी यही दिखाना चाहती होंगी कि पवन सिंह से आज उनके रिश्ते बहुत मधुर हो चुके हैं। खैर, अच्छी बात है। हमने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि पवन सिंह के तीन ऐसे दुश्मन हैं इस वक्त इंडस्ट्री में, जिन्हें शायद पवन सिंह फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं करते। अब आप ये समझ चुके होंगे कि हम गीतकार श्याम देहाती, एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और एक्टर खेसारी लाल यादव की ही बात कर रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।